कुत्ता समझकर पाल रहे थे घर में, सच्चाई सामने आई तो पैरों तले खिसक गई जमीन। घर में जानवर पालने का शौक पूरी दुनिया में आम है। बड़ी संख्या में लोग घर में कुत्ते, बिल्ली और विभिन्न प्रकार के पशु पक्षी पालते हैं। कुछ लोग जानवर खरीदते हैं तो कुछ सड़क पर घूम रहे बेसहारा लोगों को सहारा देते हैं। चीन में कुछ इसी प्रकार का काम एक पशु प्रेमी ने भी किया। पहाड़ों पर घूमते हुए उन्हें एक कुत्ते का बच्चा भटकता हुआ मिला। शख्स ने उसे उठाया और अपने घर ले आए, लेकिन हकीकत सामने आने पर शरीर में सिरहन दौड़ गई। जिस जानवर की मासूमियत को देखने के बाद चीनी शख्स ने उसे घर ले जाने का फैसला किया था। घर जाते ही उसकी हरकतें उसे कुछ अजीब लगने लगी। पिल्ला घर में ही दो पैरों पर चलने लगा था। फिर भी चीनी नागरिक को पिल्ले की सच्चाई का अंदाजा नहीं हुआ। 8 महीने तक वे चीनी परिवार के साथ ही रहा, लेकिन कुछ ही दिनों में उसका वजन 80 किलोग्राम हो गया। पिल्ले का इतना वजन होना मुश्किल लगता है। कुत्ते का बच्चा बड़ा होने के बावजूद भौंकता नहीं था, दो पैरों पर चलता था और ढेर सारा खाना खाता था। उसने खुद से जांच पड़ताल की तो उसे समझ में आया कि यहाँ दरअसल भालू का बच्चा है। भालू के बच्चे को खुला छोड़ने के बजाय चीनी शख्स उसे पिंजरे के भीतर रखने लगा। लेकिन यह बात किसी तरह चीन के वन विभाग तक पहुंच गई, जिस पर बवाल हो गया। उन्होंने भालू को कब्जे में लिया और उसे सुरक्षित तरीके से जंगल में छोड़ दिया। अपने पालतू जानवर को जंगल में भेजने के बाद दुखी चीनी नागरिक ने मीडिया को बताया कि भालू काफी दोस्ताना व्यवहार रखता था। वह उसे अपने हाथ से खिलाता था, नहलाता था और घूमने भी ले जाता था। जब भालू अपने दो पैरों पर चलने लगा तो मुझे संदेह हुआ कि यह कुत्ते का पिल्ला तो नहीं है।